आज का हमारा जोसेफ एंड्रयूज का क्वेश्चन है हेनरी फील्डिंग्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। क्वेश्चन है, फील्डिंग इज ग्रेट क्रिएटर ऑफ कैरेक्टर्स, डिस्कस विद रेफरेंस टू जोसेफ एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एग्जामिन फील्डिंग्स क्लेम दैट ही डिपिक्ट्स नॉट मैन बट मैनर्स, नॉट द इंडिविजुअल बट द स्पेशीज। क्वेश्चन थ्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द व्यू दैट द कॉमिक कैरेक्टर्स ऑफ फील्डिंग आर एकन मोर टू दोज ऑफ शेक्सपियर दैट टू दोज ऑफ बेन जॉनसन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे राइट अ नोट ऑन फील्डिंग्स कैरेक्टराइजेशन व्हाट ही कॉल्स द रिडिकुलस कैरेक्टर्स। आगे एग्जामिन द पर्टिकुलर रेफरेंस टू द कैरेक्टर्स इन जोसेफ एंड्रयूज। और इसी पेज 54 पे आखिरी क्वेश्चन है, इज इट जस्टिफाइड टू कॉल फील्डिंग एज कैरिकेचरिस्ट। जवाब है, द आर्ट ऑफ पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर्स विद देयर प्रोफेशन ट्रेड हैबिट्स एंड फिजिकल अपीयरेंस इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। यानी किरदारों को उनके पेशे के एतबार से, उनकी आदतों के एतबार से, उनकी जिस्मानी साख्त के एतबार से किरदार को पोर्ट्रे करना, पेश करना करेक्टराइजेशन, किरदार निगारी कहलाता है। फील्डिंग्स आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन इज सुपर फॉर विच ही इज नॉट इंडेटेड टू एनी बॉडी। फील्डिंग का किरदार निगारी का जो फन है वो अपनी मिसाल आप है, वो उसका इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। ही एक्सेल्स ऑल द अदर नावलिस्ट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। वो अपने साथ हम असर नावल नगारों में सब कुछ ले जाता है इस खूबी की वजह से। ही हैज़ वाइड एक्सपीरियंस ऑफ मैन एंड ऑब्जर्व्स देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीलिंग्स। इंसानों के हवाले से उनका अंदरूनी और बैरूनी जज्बात का जो फील्डिंग का मुशाहिदा, उसका वसी तजर्बा है। ही हैज़ द आर्ट पोर्ट्रेइंग हिज कैरेक्टर्स विदाउट एनी पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। वह अपने किरदारों की तस्वीर कशी करने का इतना माहिर है कि उसमें उसकी किसी भी किस्म की जानबदारी नज़र नहीं आती। His characters are real human beings. He makes all of them energetic and sparking. उसके किरदार आम हकीकी इंसानों की तरह हैं। उनमें वो किसी किस्म की एनर्जी और स्पार्क भर देता है। Shakespeare's superiority over others is his ability of having insight into human nature. शेक्सपियर की जो खूबी है दूसरे आम लिखने वालों में कि वो इंसान की फितरत के अंदर जानता है। देर इज नो डाउट दैट फील्डिंग हैज द सेम क्वालिटी। ही हैज ऑल्सो डीप इनसाइट इनटू ह्यूमन नेचर इन स्पाइट ऑफ दिस। हिज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज नॉट एज सुपीरियर एज दैट ऑफ शेक्सपियर। पेज 55 सेकंड पैराग्राफ, Fielding was aware of giving a new literary form with Joseph Andrews, which he called a comic epic in prose. ये question आता है, write a note on Joseph Andrews as a comic epic in prose. यानी Fielding इस बात से बाखबर है कि उसने Joseph Andrews में एक अंग्रेजी अदब की नई शक्ल पेश की जिसको comic epic in prose का नाम दिया गया। Fielding's broad human sympathy coupled with his keen observation, Fielding का इंसानों के बारे में वसी हमदर्दी और एक ऐसा गहरा मुशाहिदा, even the faintest element of hypocrisy in a person is his basic asset. एज अ मास्टर ऑफ करेक्टराइजेशन। किरदार नगारी के अंदर किरदारों का मामूली से मामूली
उनके किरदार के अंदर पाई जाने वाली खूबियाँ, उनका मुशाहिदा, यही फील्डिंग की बहुत बड़ी खूबी है। ही लाफ्स एंड मेक्स अस लाफ एट मैनी ऑफ हिज कैरेक्टर्स, बट ही इज नेवर सिनिकल और मिसएंथ्रोपिक। वो अपने किरदारों पे हंसता है, हमें भी उन पे हंसने का मौका देता है। इसके बावजूद वो किसी भी किरदार के बारे में नफरत नहीं करता। ही इज अ प्लेजेंट सैटिरिस्ट, वो एक खूबसूरत, खुशगवार, मजाक तंज करने वाला है। सांस मैलिस, सांस फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी लफ्ज है, जिसका मानी होता है नो। मैलिस का मानी हसद, कीना, जिसमें कोई हसद नहीं है। सांस हार्शनेस, किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं है। Thus he condemns hypocrisy and vanity of the elite class. इस तरह वो इस बात की मजम्मत करता है जिसको मक्कारी, जिसको तकबर और गुरूर कहा जाता है। एलीट क्लास यानी के जो सोसाइटी में मुआशर अशराफिया, जो सोसाइटी में अमीर तबका होता है। He does this करेक्टर्स, नीचे चार करेक्टर्स दिए गए हैं, बाकी भी जितने करेक्टर्स के अंदर हैं जोसेफ एंडीज में, इनके जरिए वो हमें सोसाइटी के उस हिस्से की तरफ तवज्जो मबजूल करता है जिनका ताल्लुक अमीर लोगों से है। करेक्टर्स पोर्ट्रेट बाई फील्डिंग आर लाइफ लाइक, जो किरदार फील्डिंग ने अपने नावल्स में पेश किए हैं वो इंसानी जिंदगी की तरह इंसानी जिंदगी से लिए गए हैं। एक्ट एंड रिएक्ट लाइक रियल ह्यूमन बीइंग्स, उनका अमल और रद्द-ए-अमल असली हकीकी इंसानों की मानिंद है। दिस इज द क्वालिटी इन विच फील्डिंग इज फार रिचर देन द अदर नावलिस्ट्स, यही एक खूबी है जिसमें फील्डिंग अपने हम असर नावल निगारों में सबक ले जाता है। He does not only give the external description of his characters, but he also gives a peep into his characters' mind. ना सिर्फ वो अपने किरदारों की बैरूनी खद्दोखाल, उनकी बैरूनी जिस्म के हवाले से, बल्कि वो कहता है कि peep into their mind, characters' minds. तो वो उनके जहनों के अंदर भी झांकता है। Gives a perfect description of their inner psychology, उनके अंदर की छुपी नफ्सियात का बेहतरीन तذکرہ کرتا ہے. The character of Lady Whoopi, Parson Adams and Peter Pounce are clear examples of their psychoanalysis. Thus he not only describes their internal feelings but also makes the reader well aware of their external description. He makes all his characters very convincing by giving psychological realism. They are intensely human. They are the real human beings of the society. आज का हमारा जोसेफ